मुझे पता चला तो पैरों तले जमीन खसक गई। असुभ ही तो पता चला। बड़े महान इंसान थे, कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। जी हाँ, हमेशा संस्था के ही बारे में सोचते थे। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने इतनी भाग दौड़ करके संस्था के लिए लोन तक पास करवाया। अरे भाई, इतनी अच्छी सेहत थी, फिर अचानक ये हो क्या गया? सुपारी तक तो खाते नहीं थे। पता नहीं भगवान क्यों अच्छे इंसानों को उठा लेते हैं। वहां होना चाहिए था। प्रकाश भी नहीं है, सुधा बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी। पता है, हमें होना चाहिए था वहां पर। अभी तक करण, तुम एक काम करो बेटा, तुम गाड़ी निकालो, मैं देवयानी को लेकर आता हूं। कौन कौन? बुआ प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। सब अकेले कैसे रहोगे? सुनो, भैया आप हमारी फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे अपने आप को। आप अपना ख्याल रखो और अभी जाके माँ के पास बैठो। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। बाबूजी की मौत मेरी वजह से हुई है। ना मैं शादी के लिए जिद करती हूँ, ना ये सब कुछ होता। हेलो मिस्टर मलिक, इरादा क्या है मिस नंदा? आपने तो कहा था आप डेडलाइंस मीट करने में माहिर हैं, क्या हुआ?
मिस्टर मलिक वो एक्चुअली मिस नंदा आपकी क्रिएटिव डायरेक्टर मुझे सारा आर्टवर्क और डेटा देने वाली है एंड शी इज जस्ट रिसिपिएंट आप लोग इतना अमाउंट चार्ज करते हैं और क्या रिजल्ट के नाम पे इट्स अ बिग फैट जीरो इज इट आई अंडरस्टैंड मिस्टर मलिक यू एब्सोल्युटली राइट लेकिन इस प्रोजेक्ट पे काम्या के साथ हमारी एक और क्रिएटिव डायरेक्टर भी काम कर रही है और सभी उसके फादर की डेथ हो गई इसलिए थोड़ा वक्त और लगेगा डोंट गिव मी सच एक्सक्यूजेस मिस्टर नंदा आप जैसे प्रोफेशनल लोग ऐसी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं और हाँ मिस्टर नंदा क्या किसी के फादर गुजर गए हैं तो आपका सारा स्टाफ काम धाम छोड़कर घर पर बैठकर रोएगा इज इट दिस इज नॉट डन मिस्टर नंदा मिस्टर मलिक पहली बात यह कि आप मुझसे तमीज से बात कीजिए समझे और दूसरी बात ये असाइनमेंट के लिए हम आपके पास नहीं आए थे बल्कि आप आए थे हमारे पास वो इसलिए क्योंकि हमारी रेपुटेशन अच्छी है अनप्रोफेशनल रेपुटेशन नहीं है हमारी मार्केट में समझे आप अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो बाबूजी की मौत हुई उसके पैसे उनके क्रियाकर्म के लिए लगे आज से तुम्हें मेरी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म समझे लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ क्या और जो कुछ हो उसका विक्टिम मैं नहीं हूँ और मैं करता क्या उनके पाँव पड़ जाता वो तो ये जो चैलेंज चल रहा है हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत अच्छा कर रहे वाह नहीं तुमने जो किया था बहुत सही किया था जाकर चिल्लाए थे ना उन पर बहुत ठीक किया था तुमने अच्छा तो तुम भी मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही हो गॉड करन मैं तुम्हें किसी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराती मैं सिर्फ इतना कह रही हूं हैव पेशेंस दैट्स इट कावे मैं क्या करता क्या तुम मुझे बताओ अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती और जो कुछ मैंने किया अपने लिए किया हम दोनों के लिए किया ना ओके फाइन मैं मानती हूं सुधा की गलती है मैं मानती हूं उसने जो कहा है गलत कहा है बट जस्ट थिंक ओके स्टेटमेंट तुम्हें सोचना चाहिए इस वक्त चलो तुम चलो करण करण स्कर जस्ट जानिकानि च पापानि जन्मान्तर पितानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे पासा च जरणानि तादिहाय नमिनानि गृहाति नरोपराणि न एनं चन्द्राणि अस्त्राणि न एनं दाति पावकानि चैनं त्वयि तापि न शोषति मारुतः न जायते मृते वा कदाचित् न भूता भविता न भूय ज्योति च साक्षितोऽयं पुराणानान्यते अन्यमाने शरीरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे पाशांश जरणानि यथा विहाय नमिनानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरणान्यान्यानि सञ्जाति निवारिरे न जायते मृते वा कदाचित् न भूता भविता न भूय
सॉरी सुधा, मुझे पता चला था मगर मैं आ नहीं पाया, कुछ काम ही ऐसा था कि बहुत बुरा हुआ। सुधा, अब तुमकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अगर पैसों की जरूरत हो तो सुधा मुझसे गाड़ी यहाँ छोड़ जाऊँ, शायद तुम्हें जरूरत पड़े उसकी। नहीं सर, थैंक यू। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं सुधा, सॉरी मेरी वजह से काम में सब डिले हो रहा होगा। सुधा, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो चलता रहेगा। और फिर कामिया है ना, वो हैंडल एवरीथिंग। तुम बस अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। डोंट वरी अबाउट द वर्क। Yes? क्या मैं मिस काम्या मेहरा से मिल सकता हूँ? मैं ही काम्या मेहरा हूँ। ओह हाय, आई एम मलिक। ओह हाय, आइए ना प्लीज। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आफ्टर यू। दरअसल काम्या जी, आपका इंडियन ब्राइड का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। अपने आप को रोक नहीं पाया इसलिए खुद चलाया, बधाई देना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपने सही मायनों में जाना है इंडियननेस क्या है।
I mean it. Thanks a lot. I'm sorry, मैं बिना फोन किए बिना बताए चला आया अचानक. नहीं, in fact तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती. और वैसे भी बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो इतना दिल खोल कर तारीफ करते हैं. बहुत अच्छा लगा कि आप आए. Well, काम्या जी, honestly एक और वजह थी. पता नहीं अंदर से मुझे क्यों लग रहा है कि आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका ये कॉन्सेप्ट कहीं वेस्ट ना हो जाए. नहीं नहीं, आप फिक्र मत करिए, हम दिन रात मेहनत करेंगे. एग्जैक्टली, आप दिन रात मेहनत करेंगी और फिर छोटी छोटी बातें, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स इन पर पानी फेर देंगी. आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं. देखिए कामिया जी, आफ्टर ऑल इट्स बिजनेस. आपकी एजेंसी इमोशनल होकर प्रोजेक्ट को डिले कर देगी. हम तो इंतजार नहीं कर सकते, हमें किसी और से करवाना पड़ेगा. मतलब कामिया जी, ऐसा सुनने में आया कि आपकी एक और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जिनके घर में कुछ हादसा हुआ है. लेकिन नुकसान देखिए आपका हो रहा है. अगर अर्णव नंदा डेडलाइंस नहीं मीट कर पाते हैं तो मेहनत तो आप ही की बेकार जाएगी, isn't it? And as I said, हम तो किसी और से करवा लेंगे. अर्णव नंदा भी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो जाएंगे, घाटे में रहेंगी तो सिर्फ आप. That's why I have a very nice suggestion, Kamya ji. क्यों ना हम अर्णव नंदा को हटाकर एक साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट करें? Oh, that's an interesting idea. कितना पैसा मिलेगा? Well, जो आपको अर्णव नंदा से मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा. आपने एथिक्स नाम की चीज सुनी है? नहीं सुनी हो, इसीलिए तो आप मुझे खरीदने आए. You know, एक ऑनेस्टी नाम की चीज होती है अपनी कंपनी के साथ, इंसान के साथ, अपने प्रोजेक्ट के साथ. एक भरोसा होता है. नुकसान और फायदे से कई ज्यादा चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं. गलत. मुझे लगता है पैसों से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता. तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि मैं अपनी कंपनी को चीट करूं, धोखा दूं, है ना? कामिया जी, आप मेरी बात सुनिए. Well, I'm sorry, मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाएगा. And by the way, इंडियननेस हिंदुस्तानी लिबास में नहीं होती, बिहेवियर में होती है. Well, it was nice meeting you, Mr. Malik. Good night. कामिया जी, आप तो बड़ी उसूलों वाली निकली. मैं तो सिर्फ एक सुझाव लेकर आया था आप ही के फायदे के. एनीवेज, ये बात हम दोनों के बीच रहे तो अच्छा है. अर्णव नंदा तक ना पहुंचे तो बेहतर है आपके लिए और मेरे लिए. गुड लक. जगत नारायण जी यहीं पे रहते हैं? जी. क्या मैं आपकी मम्मी से बात कर सकता हूँ? जी. जी कहिए. नमस्ते जी, मैं बैंक की तरफ से आया हूँ. वैसे जगत नारायण जी के बारे में सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं. देखिए, ये कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लीजिए इसे. लोन के डॉक्यूमेंट्स? जी. बाबूजी ने आपके बैंक से लोन लिया था? जी. अमाउंट क्या था? 5 लाख रुपए. 5 लाख रुपया? लेकिन ये कब लिए थे बाबूजी ने? किस लिए? वैसे तो काफी वक्त हो चुका है. सारी डिटेल्स है इसमें. मैं समझता हूँ कि अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में लिया था.